भेड़ियों के हमलों का सीएम योगी अपने संज्ञान के लिए कहा गया है। भेड़िये पकड़े जाए, हमलों को रोका जाए, सुरक्षित कैसे रहना है लोगों को। सरकार ने भेड़ियों के हमलों को आपदा घोषित कर दिया है और पीड़ितों को बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर वहां पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी की जाए। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। रात में आदमखोर बुरी तरह से घायल हो गई है। बहराइच के महसी इलाके में लगातार दूसरे दिन भेड़िये का हमला हुआ है। 60 साल की बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया गया। भेड़िये ने उन्हें कुछ दूर तक घसीट कर ले गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मां के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को रात 3:30 बजे आदमखोर भेड़िया, बाद में खेत में बच्ची का शव मिला। भेड़िया बच्ची के दोनों हाथ काट कर ले गया था। अभी यहाँ एक वही कम से कम एक 1.5 घंटे के अंदर अंदर अभी हमने उनको निशान वगैरह वीडियो जी भेड़िया ही है, प्रूफ है, वीडियो है, दो है सर। भेड़िया नहीं कोई और दूसरा जानवर है। 1 मिनट का निशान भी हमारे पास है, प्रूफ वीडियो भी है। ये कौन सा गांव है? थैलिया है, भेड़िया को ले जी बिल्कुल पूरा भाई है सर। ये तो 10 अगस्त रिलैक्स। अभी कल शाम को रात में 3 बजे के समय एक लड़की को खा गया, उसके दोनों हाथ खा गए गरेठी में गुरदत्तपुर में जी पूरा खौफ है सर इसके लिए। तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ नहीं है सर, इनको प्रशासन उधर ही नहीं रहा है। लेकिन ड्रोन तो ड्रोन के उड़ने से क्या होता है? ड्रोन में बोल रहे हैं कि सीआर है, कुछ नहीं है। तो यहाँ आया है, कुछ लोगों ने यहाँ से फोन किया था जब गया था। यहाँ ड्रोन से देखा जाएगा, कोई कह रहा है इसमें सीआर है, कोई कह रहा है कुछ है, जबकि यहाँ से दिखाया गया है जो टीम एक्सपर्ट निशान उन लोगों ने बताया दिखाया था, तो वो बोल रहा है कि भेड़िया का है। कितने देर पहले देखा गया? 1.5 घंटे के बाद, पहले 1.5 घंटे। इधर कहीं बात कर रहा है, हम देख रहे हैं वन विभाग के भी देख रहे हैं, कहीं इधर बात कर रहा है, कहीं उधर बात कर रहा है, और कह रहा है ज्यादा अगर कुछ करोगे मुकदमा लिखवा देंगे तुम्हारे पे। ड्रोन उड़ा रहा है, 2 जाल लगाए थी, 10-12 लोग गए गाँव वाले को जाने से क्यों मना। वो क्या कर रहे हैं? सैलरी किस चीज के लिए? दिहाड़ी देने के लिए सैलरी लेते हो? निशान दिखाया गया है उनको, फोन करो। क्या है? बहुत करीब से देखा है। थैलिया है यहाँ केवल दिखाया कर रहे हैं कि हाँ हम पकड़ने आए हैं। पकड़ना चाहते तो वही पकड़ लेते हो लोग। गोला दाग दिया भाई, गोला दागा, और एक गोला दागा हो तो फिर भी इधर सामने से आदमी इकट्ठा नहीं कर रहे, पीछे से गोला दाग के सामने को भगा रहे हैं। ना खैरनिया टेपरा की है, तो टेपरा में घायल किया है, तो उस महिला का इलाज चल रहा है। उसका ये रहता है कि 5-6 दिन के बाद वो अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, तो इस वजह से वो अलग गांव है। तो इसमें अभियान में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि हर बार एक नया गांव चयनित हो रहा है, और वन विभाग अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे जल्दी उम्मीद है कि बाकी भी पकड़ लिया जाएगा। गए थे तो वहाँ पता चला था इस बच्ची को मिला के 3 हमले हुए हैं, जिसमें 55 वर्षीय महिला और 60 वर्षीय कमला देवी है। इसमें एक जो खरनिया टेपरा वाली घटना अभी जो है सूचित हुई है, और वो CSC महसी पे उसका इलाज चल रहा था, और अब ये उसे जिला अस्पताल पे भी भेजा गया है। और बाकी ये जो मृतक वाली अभी 2 रिपोर्ट हुआ है, 2 जो हमारे अधिकारियों ने दिया है बताया। इसी तरह को रुक करते हैं, राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। राजीव, कौन से गांव में आप मौजूद हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो चालाक भेड़िए हैं ये हर बार गांव बदल देते हैं अटैक करने के लिए, और चकमा दे देते हैं पुलिस को भी, वन विभाग की टीम को भी। आप जहां पर मौजूद हैं क्या स्थिति है वहां पर, लोग क्या कहते हैं, जरा सुनाइए। देखिए, इस वक्त मैं उसी गांव में हूं जहां पर आज आदमखोर भेड़िये ने एक बच्ची पर हमला कर उसकी जान ले ली है। इस घटना की खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, और उन्होंने बड़े अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि न सिर्फ बहराइच बल्कि लखीमपुर, सीतापुर और नौर में जो लगातार चाहे भेड़िये के हमले हों, बाघ के हमले हों, उस घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए। बड़े अधिकारी जिले में कैम करें और हर हाल में इन वन्य जीवों को पकड़ा जाए, और ताकि वहां पर जो माहौल है उसे भयमुक्त किया जाए। इस वक्त मैं उसी घर के सामने हूं जहां पर आज भेड़िये ने हमला कर एक बच्ची की जान ली है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पीड़ित परिवार है वो यहां पर मौजूद है, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले वो कमरा आपको दिखाऊंगा जहां ये जो बच्ची थी अपनी माँ के साथ लिटदास से उस बच्ची को मुंह में दबाकर उठा ले जाता है, और बगल में लिटत जो माँ है, पीड़ित माँ वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कैसे ये घटना हुई। उसको तीन देर में हम सो गए, बिटिया पर
ये यहाँ पर उनकी बेटी को जो कि 2.5 साल की थी उसको उठा ले गए। आप देख सकते हैं कि ये भेड़िया यहीं नहीं रुका, कितना उसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि वो यहाँ से निकलता है और इसके बाद सामने के कुछ घरों में पहुंचता है, वहां पर वो अटैक करता है। और ये जो सामने आपको जंगल का रास्ता दिख रहा है, यहां से ले जाके 200 मीटर दूर एक खेत में उस को ले जाता है। वन विभाग को जानकारी मिलती है, अधिकारी आते हैं, ड्रोन लगाते हैं, ड्रोन कैमरे की आवाज सुनने के बाद भेड़िया उस लड़की को 1 किलोमीटर दूर और ले जाता है। वन विभाग कोशिश करता है कि इसको पकड़, ये नजर आ रहे हैं। खास बात यह है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो भेड़िया लगा, हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, क्या कारण है कि जो लगातार वन विभाग कोशिश कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भेड़िया नहीं पकड़ा जा सका? हम गाँव में भी आज के 4 दिन पहले अयांश बच्चे को भेड़ा था। खेत यहाँ पर है, मक्का बाहुल्य गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, इस वजह से भी भेड़िए उसमें छुए जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। हाँ। क्योंकि वो दिन में रात में जब मिलते ही है।